दोस्तों, बेंजामिन ग्राम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इस बुक के अकॉर्डिंग एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है? काफी सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने आप में ऐसा सोचते हैं कि अरे जो भी कुछ हूँ वो मैं ही हूँ, और काफी सारे लोग सब कुछ जानते हुए भी ये सोचते हैं कि अरे यार मैं तो कुछ नहीं हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, मुझे वो सब कुछ जानते हैं फिर भी ये बोलते हैं कि नहीं मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे तो अभी और सीखना है। तो दोस्तों, ऐसे लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि ये जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक है शायद वो इंटेलिजेंट लोगों के लिए है जिन्होंने ज्यादा एजुकेशन रखी है, जिनका माइंड का आईक्यू ठीक है ज्यादा है, तो शायद ऐसे लोगों के लिए। जबकि इसके जो राइटर हैं बेंजामिन ग्राहम वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता है, जो अपनी भावनाओं का सही उपयोग करता है या फिर भावनाओं को नियंत्रण में रखता है, इसके बाद हमेशा अनुशासित होकर काम करता है, और नंबर 4 वो बताते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने लिए सही डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो। अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर है फिर वो भले ही 5वीं पास क्यों ना हो वो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माना जाएगा। और इस बुक में 2 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, दूसरा वाला मुझे बहुत पसंद आता है। पहला एग्जाम्पल दोस्तों ये है कि सन 1998 में महान मैथमेटिशियन और महान कंप्यूटर साइंटिस्ट, साथ ही 2 नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा एक हेज फंड को मैनेज किया जा रहा था, और उस हेज फंड ने कुछ ही हफ्तों में $2 बिलियन गंवाए, वो भी सिर्फ इस शर्त पर कि उन्होंने एनालिसिस किया और मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा था। तो वो कहने लगे कि मार्केट कुछ ही हफ्तों में फिर से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, मार्केट उनके अगेंस्ट ही जाता रहा, जिसकी वजह से उन्होंने $2 बिलियन गंवाए। और दोस्तों दूसरा एग्जांपल सर न्यूटन के बारे में दिया जाता है, शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आपको ऐसा पता होगा कि ये तो साइंटिस्ट थे ठीक है, फिजिशियन थे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन्होंने एक बार इन्वेस्टर बनने का भी ट्राई किया था। बात है सन 1720 की, इन्होंने इंग्लैंड की एक हॉट स्टॉक कंपनी थी साउथ सी, इन्होंने उस कंपनी के स्टॉक खरीद लिए, लेकिन कुछ ही टाइम बाद मार्केट गिरने लगा और मार्केट में खलबली मच गई लोगों के बीच। तो यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन ठीक है लोगों की तरह, बाकी के लोग थे तो उन्हीं की तरह डरने लगे, और इन्होंने अपने 100% स्टॉक £7,000 के बेच दिए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मार्केट फिर से तेजी से ऊपर जाने लगा, तो सर आइजैक न्यूटन फिर से मार्केट में कूद पड़े। इस बार उन्होंने £20,000 का लॉस करवाया, और इसका रिजल्ट दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सर आइजैक न्यूटन ने लोगों को अपने सामने साउथ सी शब्द बोलने तक मना कर दिया, और सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि मैं तारों की गति का तो कैलकुलेशन कर सकता हूं लेकिन लोगों के पागलपन का नहीं। तो दोस्तों आपने देखा कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिसका आईक्यू भी ज्यादा था, जिसकी एजुकेशन भी ज्यादा थी, लेकिन वो भी भीड़ के गरजने पर अपने फैसले को ओवरराइड कर रहा था और मार्केट में पागल लोगों की तरह काम कर रहा था। तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के राइटर बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग सर आइजैक न्यूटन दुनिया में बुद्धिमान लोगों में से एक थे, लेकिन वो एक सफल निवेशक बनने से कोसों दूर थे। तो दोस्तों अगर हम आपको इन शॉर्ट में बताना चाहें तो इसका कंक्लूजन निकल के ये आता है कि अगर आप भी एक सफल निवेशक बनने में असफल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ हैं, बल्कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने सर आइजैक न्यूटन की तरह अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना नहीं सीखा है। जो मार्केट में हो रहा है, लोगों में भगदड़ मची है, आप भी उसी भेड़चाल में चलने लगती हैं। जब लोगों को लगता है और मार्केट में होता है कि चलो इन्वेस्ट करो, आप भी इन्वेस्ट करने लगते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है आप भी उन्हीं के पीछे पीछे चल देते हैं कि चलो बाकी के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी कर दें ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों ये है कि आपने खुद में अभी अनुशासित विकसित नहीं किया है ठीक है, तो इसीलिए आप अभी एक सफल निवेशक नहीं बन पा रहे हैं। जबकि दोस्तों अनुशासित होना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना, ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अगर आप एक सफलतम निवेशक बनना चाहती हैं। दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में। दोस्तों अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अमेजोन से मंगा के आप इसको पढ़ सकती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो और ये जो मैंने बुक आपको सजेस्ट करी है ये आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत स्ट्रांग करेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।